सध्या सर्वत्र लोकसभा निवडणुकीचं वारं वाहू लागलंय. तसंच अनेक उमेदवारांकडून वाचत काचत मिरवणुकीचे अर्ज दाखल केले जात आहेत. असं असताना आता छत्रपती संभाजीनगर मध्ये अपक्ष उमेदवार अफसर खान यांनी अर्ज दाखल करण्यासाठी चक्क उंटावर एंट्री करत सर्वांचंच लक्ष वेधून घेतलंय. राज्यात सध्या लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची लगबग सुरू आहे. अनेक उमेदवारांकडून जोरदार शक्ती प्रदर्शनं सुरू आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल केले जात आहेत, मात्र मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळे जाहीरनामे, भाषण, खटके, आश्वासनं दिली जातात. मात्र असं असतानाच आता एका अपक्ष उमेदवारानं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलंय. छत्रपती संभाजीनगर लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी एक उमेदवार चक्क उंटावर बसून आल्यानं संपूर्ण मतदारसंघात याची चर्चा रंगली आहे. दुसरी दुपारी किरणपुरा भागात उंटावर बसलेली एक व्यक्ती सर्वांच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू ठरली. सुरुवातीला एकदा उंटवाला व्यवसाय करण्यासाठी येत असेल असं वाटलं होतं, मात्र नंतर हा उमेदवार असल्याचं लोकांना समजलं. साहेब खान पठाण उर्फ बाबा यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करताना सर्वच लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ही अनोखी शक्कल लढवली. उंटावर बसून किराडपुरा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा प्रवास करत त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. तसंच गेल्या अनेक वर्षांपासून सामाजिक कार्यात पुढे असून लोकांनी आपलं कार्य पाहिलंय, त्यामुळंच मी उमेदवारी आपण भारत भरत असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं. विशेष म्हणजे माध्यमांना माहिती देताना देखील त्यांनी उंटावर बसून आपलं म्हणणं मांडलंय. ब्युरो रिपोर्ट, या न्यूज, छत्रपती संभाजीनगर. मैं को जनता ने खड़ा करा भाई, मैं फॉर्म वापस क्यों लूंगा? मुझे जब जनता ने खड़ा करा, मैं खुद अपने आप में मैं लड़ता था, मैं खुद भरता था, मैं वापस ले लेता हूँ. लेकिन जनता की मांग के ऊपर मैं मैदान में आया हूँ. ये जनता की चाहत है, ये जनता बोले तो औरंगाबाद की नहीं, पूरे औरंगाबाद जिले की जनता की मांग है. यानी देहातों की खुलताबाद, दौलताबाद, करनाड़, वैजापुर, गंगापुर, ये जो है ये लोगों की मांग है, सिटी के लोगों की मांगे करके मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ. मेरा मकसद जो है तो वह फॉर्म वो वापस लेता है जो अपनी खुद की मर्जी से फॉर्म भरता है. तो मैंने मेरी मर्जी नहीं चलाया हूँ, ये जनता की मर्जी है और जनता की मर्जी के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ. और असल से मैं जीत के आता हूँ, मैं वादा करता हूँ तमाम हिंदू मुस्लिम की सियासत को मैं यहाँ खत्म कर दूंगा. मेरा वादा है हिंदू मुस्लिम की जो सियासत करते हैं पाखंडी नेता, जो हिंदू बान, ये खान बान, मस्जिद मंदिर, मैं इसलिए मेरा मकसद है कि ताकि इसका पैगाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जा सके और पूरे हिंदुस्तान एक भाईचारे का, क्योंकि हमारा देश सबसे सारे जहां से अच्छा हमारा देश है, पूरे दुनिया के मुल्क के अंदर आला दर्जे का हमारा देश है. हमको गर्व है और फख्र है हम इस देश के अंदर पैदा हुए. तो मेरा मकसद है फिर से जो फिरका प्रस्ती पार्टियों ने यानी दो गट के अंदर यानी कई बंटवारे कर दिए, मेरा मकसद वही है यानी सियासत के अंदर कि फिर से जो है तो एकता का पैगाम पूरे दुनिया के मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छा पैगाम देने के लिए मैं इलेक्शन में आया हूँ. नक्कीच अपक्ष म्हणून उमेदवार हे रिंगणात सध्या उतरलेले आहेत. यापुढे नेमकं काय होणार आहे हे बघणं आता एक महत्वाचं ठरणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सोबत गणेश जाधव, एआय न्यूज, छत्रपती संभाजीनगर. इससे पैसे इन्होंने लिए थे, पूरी जनता क्या पूरी महाराष्ट्र जानती है, पूरा इंडिया जानता है, इन्हों खुद लेकर खड़े थे. लेकिन खुदा कुदरत की वो बात थी जो आज ये इनको ऊपर वाले ने इनको साथ दिया और ये है जो तो चमक गए. लेकिन दूसरे से पहले इल्जामात लगाकर आपने गिराबान के अंदर हाथ झांक के देखिए, आपने दिल पर हाथ रखिए कि हम किससे भी किए थे. तो साहब मैं वो काम नहीं करता हूँ, मैं जो काम करता हूँ इखलास से करता हूँ और ईमान की हालत में करता हूँ. और मेरे अंदर वो मुनाफिक की हरकत नहीं है, मैं मुनाफिक नहीं हूँ. जो कुछ इधर वो तो बोलते ना, कोई सामने से खंजर मारता है तो कोई पीछे से खंजर मारता है, मेरे अंदर वो आदत नहीं है, आप लोग के अंदर वो आदत है. मैं तो सिर्फ जनता को लेकर चलने के लिए इलेक्शन में खड़ा हूँ और तरह तरह के इल्जाम लगा दिए. उम्मीदवारी को कौन सा विरोध है? विरोध मेरा किसका भी नहीं है, मेरा कोई पक्ष से विरोध नहीं है. मेरा संविधान ने मुझे पर इजाजत दिया, संविधान का सबका हक है लड़ने का. मैं संविधान के दायरे में मैंने इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जिसको संविधान ने यानी बेटा बाप के भी खिलाफ लड़ सकता है.